एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग की जाल में फंसाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के वकील विरोधियों के हर दाव को कमजोर और नाकाम करने में जुटे हैं। शुक्रवार को सीनेट में महाभियोग पर सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने कहा, कैपिटल हिंसा को भड़काने का आरोप बहुत बड़ा झूठ है और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई राजनीतिक साजिश है। इससे पहले पिछले हफ्ते ट्रंप की कानूनी टीम ने जोर देकर कहा था कि उनके खिलाफ महाभियोग का पूरा मुकदमा ही असंवैधानिक है और ये केस ट्रंप के अधिकारों का हनन है। हालांकि उनकी ये दलीलें काम नहीं आईं और इसलिए उन्हें अपना बचाव करने का फिर मौका दिया गया। ट्रंप के वकीलों को अपनी दलीलें पेश करने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, जबकि अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क तैयार करने के लिए 13 घंटे का समय लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में दंगे करवाए थे जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ट्रंप इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि महाभियोग में बाइडेन सरकार की जीत होगी या ट्रंप इससे बरी हो जाएंगे।